छोटा भीम ग्राम पंचायत बालघाट स्थित उप तहसील कार्यालय पर शुक्रवार को आम जनता बालघाट के नेतृत्व में सैकड़ों महिला पुरुषों के द्वारा धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। ग्रामीणों ने बताया कि बालघाट उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने की मांग वर्षों से लगातार चली आ रही है, लेकिन सरकार के द्वारा क्षेत्र के लोगों की मांग को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। जिला परिषद सदस्य मोहर सिंह मीना, सामाजिक कार्यकर्ता हनुमान मीना, ग्राम पंचायत सरपंच हंसराज बैरवा, विक्रम सिंह BKU, प्रदेश अध्यक्ष दिनेश नांगल शेरपुर आदि ने बताया कि बालघाट उप तहसील परिक्षेत्र में अधिकांश लोग कांग्रेसी विचारधारा के रहते हैं। वर्तमान में सत्तारूढ़ सरकार भी कांग्रेस की है, ऐसे में ग्रामीणों की मांग पूरी न होना चिंता का विषय है तथा उक्त मामले को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने बताया कि सरकार अपना सकारात्मक पक्ष इस विषय में सोमवार तक नहीं रखती है तो बालघाट बाजार को बंद कराए जाने के साथ ही बालघाट थाने के समक्ष ग्रामीण महिला पुरुषों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान जिला परिषद सदस्य मोहर सिंह मीना, ग्राम पंचायत सरपंच हंसराज बैरवा, पूर्व सरपंच मोटा बालघाट ने बताया कि संबंधित भाग मांग को लेकर बालघाट नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी ग्रामीणों के द्वारा दिया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान सदीक सलीमुद्दीन नैहना, सुरेश योगी, मनगति योगी, शकील अहमद, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष नांगल शेरपुर, रसीद उमेश नामा, योगेश छिपी, दुर्गा लाल, रमेश अजीत सिंह, मनोज कुमार, विजय धीरज, अनूप अलकेंद्र, सौरभ रामू, अमर सिंह करोड़ी आदि के साथ बदलेटा, भंडारी, पाडली, नांगल शेरपुर, मोरना के ग्रामीण मौजूद रहे। आज जो आपने प्रदर्शन किया, नारेबाजी लगाई, किस संबंध में लगाया, आपका नाम बताना, पद बताना क्या है? आज पूरे बालघाट उप तहसील के आसपास के गांव, सब गांव के जनप्रतिनिधि, पंच पटेल, माता बहने सब इकट्ठे होकर एक साथ हमने विरोध प्रदर्शन सरकार के लिए किया, क्योंकि बालघाट एक ऐसी जगह है जो आसपास के सारे लोगों को, सारे रोडों को कनेक्ट करती है। यहां से आसपास हमारे कुटिला बालाजी का मंदिर है जो एक दार्शनिक स्थान है, सिद्ध बाबा का मंदिर है, यहां पर बालघाट में 10,000 की आबादी रहती है। हम चाहते हैं बालघाट को क्रमोन्नत करके राज्य सरकार जल्दी से जल्दी इसको तहसील बनाए और यहाँ के जो आक्रोश है जनता में, आज हम सैकड़ों लोगों के साथ महिलाएं, आप देख लीजिए कितनी बड़ी तादाद में आई हैं। हम चाहते हैं इसको जल्द से जल्दी राज्य सरकार तहसील बनाए और इनके लोगों का जो आक्रोश है उसको कम करने का काम करें, क्योंकि अगर इन्होंने जल्दी से जल्दी इसको तहसील बनाने की घोषणा नहीं करी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, हम सड़कों पर आ जाएंगे। पूरे क्षेत्र के लोग, 64 गांव इसके बालघाट उप तहसील में आते हैं, तो हम चाहते हैं इसको जल्द से जल्द राज्य सरकार तहसील बना के काम किया। मैं विक्रम सिंह मीना, भारतीय किसान यूनियन युवा प्रदेश अध्यक्ष। कितने दिन का टाइम दिया जा रहा है? हम 5 दिन का समय, हम सोमवार को यहाँ पर रास्ता जाम करेंगे, यहाँ पर जो ये रोड है ये रोड जाम करके हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर सोमवार को हमारे पास कोई आदेश आ जाता है लिखित में सरकार का बालघाट को तहसील बनाई जाती है तो हम, कल हमारा बालघाट में बाजार बंद करने का कार्यक्रम है, आसपास के सैकड़ों लोग आएंगे, बालघाट को बाजार को बंद करवाएंगे, सोमवार को हम सड़क को जाम करेंगे, हमारा प्रदर्शन करेंगे। हम टंकी पर भी चढ़ने को तैयार है, हम इसके लिए कोई भी कुर्बानी बलिदानी देने को तैयार है, लेकिन हम जब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमारी बालघाट को तहसील नहीं बनाया जाए। धन्यवाद।